Now I'm going to discuss how to prove the nature of triangles and quadrilaterals with the help of distance formula. Okay, so हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं ये ट्राइंगल कैसा है. ठीक है, आपको पता होगा सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे बता देते हैं. जैसे अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको सबसे पहले ये समझना है ये ट्राइंगल का तीनों साइड जो होगा आपका का डिस्टेंस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी हमेशा अगर इक्वल हो जाए तो ये आपका डिस्टेंस किसका हो, डिस्टेंस जो होगा किसका होना चाहिए ए बी और क्या है आपका बी सी और ए सी का अगर इक्वल हो जाए तो समझेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है. नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल का जो लेंथ होगा साइड का वो हमेशा इक्वल होगा. आप कोई भी साइड जो होगा एनी टू साइड लेंथ ऑफ एनी टू साइड सर लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या होगा हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. नेक्स्ट हम लोग का जो होता है स्कैलेन ट्रायंगल. ठीक है, स्कैलेन ट्रायंगल पता होगा आपको कोई भी साइड इक्वल से इक्वल नहीं होगा. ठीक है, कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं होगा. सो जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी. ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें जो होगा आपका जो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का होगा. आपका जो भी डिस्टेंस निकालेंगे उसमें आप निकाल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी एंड आफ्टर दैट यू शुड वेरीफाई इफ इट इज इट सेटिस्फाई देन वी कैन वी विल से ए बी सी इज ए राइट द वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी आर ऑफ द राइट एंगल. ओके, अगर ऐसा हो अगर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हम लोग का है आइसोसेलेस. नेक्स्ट दिस इज द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आप याद रखेंगे इसका राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पहला तो दो कंडीशन होगा ही आपका कि ये दो साइड आपका इक्वल होना चाहिए. आपका ए बी स्क्वायर प्लस क्या है आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो वेरीफाई होना ही चाहिए और ये साइड जो होगा आपका वो भी साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलैटरल, दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्कैलेन ट्रायंगल एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे. क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, सो यू विल हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल. आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो लेंथ का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. ओके, यू विल हैव टू प्रूव ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स बाय विद द हेल्प ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी. आपको यहाँ पे लेंथ की प्रॉपर्टी से करना है. जैसे अगर आपको रेक्टेंगल हो, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर रेक्टेंगल को लेते हैं, अगर ये रेक्टेंगल अगर है तो आपको समझेंगे कि इसका जो रेक्टेंगल का क्या क्या कंडीशन हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा. हम लोग को ए बी सी और ये क्या होगा डी, ये इसमें क्या करेंगे इसका अपोजिट साइड तो इक्वल होगा आपका ए बी इक्वल टू क्या होगा इसका डी सी होगा और नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे बी सी इक्वल टू क्या होगा ए डी होगा. ये प्रूव हो जाएगा हम लोग के पास. नेक्स्ट अब यहाँ से दूसरा हम लोग क्या करेंगे इसका जो डायगोनल होगा इक्वल नहीं होगा. ठीक है, इसकी जब डायगोनल होगा ए सी इक्वल टू ए सी इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट बी टी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी टी, ये आपका डायगोनल इक्वल नॉट इक्वल टू बी, लेंथ ऑफ डायगोनल इज नॉट इक्वल. एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे और क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसका ये जो होगा आपका ए सी इक्वल टू बी टी होगा आपका. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे हम लोग. नेक्स्ट हम लोग जो है नंबर टू में हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर और एक आता है रॉम्बस. इसमें दोनों में आपको समझेंगे जरूर. स्क्वायर का सारा ऑल साइड इक्वल होगा, रॉम्बस का भी आपका ऑल साइड इक्वल होगा आपका. सो ए बी सी डी इसमें आपका क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या होगा आपका ए डी. इसके साथ क्या होगा आपका इसके साथ इसमें ये भी प्रूव हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये आपका डायगोनल भी इक्वल होगा ए सी इक्वल टू क्या होगा आपका बी डी. ये आपका स्क्वायर का केस होगा.
नेक्स्ट अगर हम लोग रॉम्बस का क्वेश्चन है, तो रॉम्बस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका भी चारों साइड इक्वल तो होगा ही, इसका चारों साइड सो इक्वल होगा इसका, सो ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे आपका चारों साइड्स निकालेंगे इसका, ठीक है, और ये जो होगा वो क्या होगा आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी तो होगा, लेकिन ये आपका डायगोनल इसका इक्वल नहीं होगा, तो ये दोनों का इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करेंगे प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल स्क्वायर और रॉम्बस का, ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब आपको 90 का भी अगर कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं, 90 का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर लेकिन अगर आपको अगर ये फाइंड करना हो कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, ठीक है, अगर ये आपको ये भी फाइंड अगर करना हो तो यहाँ से आपको फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर एंगल फाइंड करना तो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक टर्म्स आपको यहाँ पे आएगा, टर्म्स क्या आएगा वो आपको हम बता देते हैं। एक आएगा आपका स्लोप, ठीक है, ये वर्ड आपका आएगा। अगर ये वर्ड ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो फिगर को हम लोग परपेंडिकुलरिटी और ये हम लोग चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे देखें, एक लाइन यहाँ पे है ए और बी, ठीक है, अगर इसकी स्लोप को स्लोप अगर यहाँ मान लेते हैं, ये इसका वर्टिसेस क्या है, इसका इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, इसका क्या है आपका एक्स वन वाई टू, सो द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट टू द एबीसी सर्कल, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इक्वल टू क्या होगा आपका वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस क्या होगा एक्स वन, ये आपका स्लोप होता है, ठीक है, इसको हम लोग एम इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, ठीक है। अगर दो लाइन का स्लोप अगर सेम हो जाए, दो लाइन का स्लोप अगर सेम हो जाए तो उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ओके। और अगर दो लाइन का अगर हम लोग अगर उसका इंटरसेक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। आप यहाँ पे इसका वर्टिसेस दिया हुआ होगा, आप क्या करेंगे इसका ए का बी बी का स्लोप निकालेंगे और बी सी सी डी सी का स्लोप निकालेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो समझेंगे वो लाइन पैरेलल हो गया। अगर BC का स्लोप निकालेंगे AD का निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया। नेक्स्ट 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 90 हो जाए तो आप माइनस वन हो जाए तो समझ जाएंगे वो क्या होगा आपका रेक्टेंगल होगा। तो ये चीज़ होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि वो लाइन क्या है पैरेलल है कि नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे एक, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल होगा आपका, ये ए है, इसका क्या है आपका वन वन है, ठीक है, ये वन वन है, और नेक्स्ट जो है आपका ये डी है तो ये नाइन फाइव है, ठीक है, अगला आपका ये बी है तो ये आपका बी जो होगा वो क्या है माइनस वन फाइव है, और सी जो है वो क्या है सेवन नाइन, ठीक है, सी इक्वल टू क्या है आपका सेवन नाइन, ये आपका है। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये लाइन जो होगा आपका ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे। ये चेक कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है कि नहीं ये हमको पता नहीं है, सिर्फ हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर समझ लें आपको कैसे चेक करेंगे, इसका अगर हम लोग स्लोप निकालें, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा आपका समझ लें, इसका स्लोप जो होगा इसका अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे स्लोप, सारे का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको पता होगा, एक पहले हम बताते हैं इसका बताते हैं, इसका क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका x1 y1 और ये क्या होगा आपका x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ से जो स्लोप होगा आपका, अगर इसको स्लोप हम लोग लिख लिखते हैं तो क्या होगा आपका इसका y2 माइनस y1 बाई क्या होगा x2 माइनस x1, y2 का वैल्यू कितना आपका 9 माइनस फाइव और x2 का कितना आपका 7 माइनस माइनस, तो m1 इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, ये आपका 9 में 5 होगा 4 और ये क्या होगा 7 में, ये कितना होगा 4 बाई 8, इसका मतलब 1 बाई 2 आ गया, ठीक है, ये आपका स्लोप आ गया इसका। मान लेते हैं इसकी स्लोप m1 है, ठीक है, अगर इसकी स्लोप निकालते हैं किसका ए डी का, ये मान लेते हैं ये ए और डी है, ये कितना आपका 1 1 है और अगला स्लोप क्या आपका 9 5, ठीक है, ये आपका देखेंगे यहाँ पे, ये क्या आपका x1 y1 होगा, ये क्या होगा आपका x2 y2। तो यहाँ से आप वैसे ही घटाएंगे इसका, अगर इसका स्लोप अगर हम लोग m2 मान लें, अगर इसकी स्लोप को हम लोग m2 मान लेते हैं क्या होगा आपका y2 माइनस y1, तो क्या होगा 5 में 1 को घटाएंगे तो 5 माइनस 1 और 9 माइनस 1 कितना बनेगा, तो 5 में 1 जाएगा कितना 4 बाई 8, तो देख लें यहाँ पे इसकी स्लोप कितना होगी 1 बाई 2। तो देख लीजिए आप इसकी स्लोप हम कितना निकालते हैं, m1 का वैल्यू कितना निकालें, पहले m1 का 1 बाई 2 है, m1 का 1 बाई 2 है, m2 का कितना आपका 1 बाई 2 है, ठीक है,
ये आपका मतलब ये लाइन जो है दोनों पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपका एम वन इक्वल टू एम टू आ गया आपका, एम वन इक्वल टू एम टू। इसको ये क्या इम्प्लाइज करेगा हम लोग का कि ए बी ए बी सी जो होगा ए डी का पैरेलल होगा, ठीक है। ये उसी तरह इसका स्लोप अगर निकाल लें हम लोग, अगर इसका एम थ्री लिख लें और अगर इसका हम लोग एम फोर लिख लें, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एम थ्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, देखें ए बी का अगर स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, इस तरह करके हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा 90 होगा, क्योंकि एम वन और एम टू को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 90 हो गया। तो इस तरह करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ये याद रखेंगे आप इस चीज़ को। ये आपको इंट्रोडक्शन करा दिए हैं हम लोग का, सो दैट द पॉइंट्स क्या आपका वन वन अगला है माइनस वन फाइव और अगला है माइनस वन फाइव सेवन नाइन एंड कितना है नाइन फाइव। ये जो होगा आपका एंड 9.5 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड फाइंड एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका। यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ है आपका, तो पहले अभी आपको हम एंगल प्रॉपर्टी भी आपको बता चुके हैं कैसे इसमें इसको उसको लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग ए ले लेते हैं, इसको हम लोग बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, इसको डी लेते हैं, ए को हम लोग ले लेते हैं कितना 1.1, बी को लेते हैं कितना -1.5 और सी को कितना लेते हैं हम लोग 7.9 और डी को कितना लेते हैं हम लोग डी को 9.5, ठीक है। सबका हम लोग क्या करेंगे इसमें डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे डायगोनल को भी हम लोग को देखना है कि डायगोनल क्या है इसका इक्वल है कि नहीं, ठीक है। इसका डायगोनल को भी हम लोग को देखना है कि डायगोनल इक्वल होगा तभी रेक्टेंगल होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ किसका निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर ए बी निकालेंगे क्या होगा, ए बी का देखिए आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं आपका x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा आपका माइनस वन होगा और प्लस y2 माइनस y1 फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या होगा आपका 8 बाहर आगे कितना होगा आपका 2 2, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं बी सी का, ठीक है। अगला हम लोग लेते हैं बी सी का, तो बी सी का कितना कोऑर्डिनेट होगा आप समझ लें, कितना इसका डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा आपका 7 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा आपका 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा 7 माइनस 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64 प्लस क्या होगा 16, ये आपका होगा 80 का क्या बाहर होगा आपको पता होगा, 80 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 5, तो ये आपका होगा 4√5, ये आपका बाहर आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सी डी का, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा आपका, सी डी डिस्टेंस लेंगे तो सी डी इक्वल टू क्या होगा आपका 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा आपका 9 माइनस 7 क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 × 4 = 20 का कितना होगा हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। टू रूट फाइव ये लिख सकते हैं, ठीक है, 2√5 ये लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग लिख लेते हैं क्या 1 हो गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो, यहाँ पे हम लोग का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 ये आपका 20 हो जाएगा और 20 का हम लोग क्या होगा 2√5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये भी 2√5 आ गया। अब हम लोग लिखते हैं ए डी का, ए डी इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस, ए डी इक्वल टू की निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा x2 माइनस x1 तो डी हो जाएगा आपका, तो 9 माइनस क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 1 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 16 इक्वल टू ये सेम आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू कितना निकलेगा 4√5, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है हम लोग निकालते हैं किसका, बी डी का, बी डी इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, देखें बी डी इक्वल टू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस लिखेंगे, तो बी डी इक्वल टू कितना होगा आपका 9 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 9 + 1 क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 + 0, इसका मतलब ये आपका 10 यूनिट्स होगा। सब में यूनिट लिख देंगे, सब में आप यूनिट जरूर लिख देंगे, ठीक है।
सब यूनिट लिख देंगे जरूर इसका, ए डी ए बी डी निकलेगी। अब हम लोग ए सी लिख देते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू कितना होगा देखें, ए सी इक्वल टू क्या होगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, 9 - 1 का होल स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर कितना होगा, 6, 7 - 1 6, 6 का 36, और ये 64 इक्वल टू क्या होगा, 100, 100 इक्वल टू कितना होगा आपका, 10 मिनट्स। तो ये आप देखें, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का आपका क्या क्या दिया हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि डायगोनल भी क्या आपका इक्वल है, मीन्स ए बी सी लीजिए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी लीजिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या आपका ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल, डायगोनल डायगोनल क्या आपका ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, इक्वल टू बी, ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपका, ए बी सी डी जी रेक्टेंगल, ए बी सी डी जी रेक्टेंगल, ए बी सी डी क्या आपका एक रेक्टेंगल है। अभी जैसे आपको बताया था उससे भी आप बना सकते हैं, एंगल का भी चेक कर सकते हैं, और आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका कितना आपका बी सी, और ब्रेथ कितना है आपका सी डी, तो बी सी का वैल्यू कितना आपका देखें, बी सी कितना 4√5, और सी डी, सी डी का वैल्यू कितना देखें आप 2√5, तो ये मल्टीप्लाई कर दें आप तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 40 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे आप, ठीक है, 40 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ गया इसका। तो इस तरह करके आप इसको बना लेंगे आप, और इस तरह करके आप क्वाड्रिलेटरल को चेक भी कर सकते हैं कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। सेम ये आपका जो होगा ट्राइंगल में भी आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये चेक करना, ए इक्वल टू दिया हुआ है -4 - 1, -4 - 1, बी इक्वल टू -2 - 4, सी इक्वल टू 4-0, और डी इक्वल टू क्या है 2-3, ठीक है, ये आप चेक करेंगे, और इसका जो भी होगा उसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है, जो भी होगा उसका एरिया भी फाइंड करना है। ए इक्वल टू क्या आपका 2 - 2, बी 14-10, बी आपका 14-10, सी इक्वल टू क्या आपका, सी इक्वल टू 11-13, और डी इक्वल टू क्या है -1। नेक्स्ट आपका थर्ड है, ए इक्वल टू 0 - 4, 0, -4, बी जो है 6, 2, सी जो है वो क्या है 3, 5, और डी जो है वो क्या है आपका -3, -1, ठीक है, ये है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ, फोर्थ में देखेंगे आप, ये फोर्थ में आपका है ए इक्वल टू 1-2, बी इक्वल टू क्या है 4-3, 6-6, 4-3 सी है 6-6, और डी जो है वो क्या है आपका 3-5, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, फिफ्थ जो है वो क्या है, फिफ्थ जो होगा आपका वो है 2-1, 5-2, 2-1, 5-2, 2-1, 5-2, 6-4, 3-3, 6-4 और 3-3। तो इसका क्या करना होगा आपको, सबका क्या है नेचर निकालना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है वो, या तो रेक्टेंगल है, या तो स्क्वायर, या तो रोम्बस है, ठीक है, ये है। उसके बाद उसका एरिया भी फाइंड करना है, उसका एरिया भी फाइंड करना है, उसका पैरामीटर भी फाइंड करना है, और उसका डायगोनल भी फाइंड कर, डायगोनल जो है आपको, ठीक है, एरिया और पैरामीटर को फाइंड करना है, ये है। नेक्स्ट आपको जो है, आपको ये चीज़ चेक करना है, आपको इसी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखना है आपको कि कौन सा जो इसमें आपको ये स्लोप को भी टेस्ट करना है, ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन बनाएंगे स्लोप टेस्ट, ठीक है, स्लोप टेस्ट, स्लोप टेस्ट में मतलब आपको क्या करना होगा, इसमें इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल को टेस्ट करना है, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर होगा, कौन सा आपका पैरेलल होगा, ठीक है, इसे आपको हम यहाँ पे